नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भुंडेकर्स किचन। मीठा खाना तो सभी को पसंद आता है, इसलिए आज हम लच्छेदार रबड़ी बनाने वाले हैं, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, इजी है और ये टेस्टी भी बहुत लगती है और हेल्दी भी होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रबड़ी बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, दूध और शक्कर की। इसमें मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है। आप चाहे तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। दूध अभी बॉईल हो गया है तो हमें इसमें अभी एक उबाल आते तक हमें गैस तेज रखनी है, और जैसे उबाल आ जाए तो फिर गैस को लो टू मीडियम आँच पर कर देना है। और फिर उससे क्या होगा कि जो दूध है उसमें ऊपर में लेयर बनना चालू हो जाएंगी, मलाई जमना चालू हो जाएंगी। फिर उसे हमें अपने कढ़ाई के कॉर्नर में ऐसे सेट कर देना है। बढ़िया, इसे ही हमें लच्छे बोलते हैं। इस तरह से हमें लच्छे सेट कर देना है कढ़ाई पे, और फिर दूध बॉईल होते रहेगा बीच में, और उसे घुमाते रहना है, दूध को जमने नहीं देना है। कढ़ाई के बिल्कुल बॉटम से हमें अच्छे से नीचे से घुमाते रहना है। और ये दूध गाढ़ा हो गया है तो हमें 1/4 कप हम शुगर डाल देंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें हमें दूध की क्वांटिटी 1/4 कर लेना है, यानी आपने जितने दूध लिया उससे आधे से आधा कर लेना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, जो मलाई हमने कढ़ाई के किनारे में जमाई थी उसे खुरच कर निकाल लेना है और अपने दूध में मिक्स कर लेना है। इसलिए भी इसे खुरचन वाली रबड़ी कहते हैं। और ट्रेडिशनली इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और ये हमारी रबड़ी रेडी हो गई। इसे गर्म या ठंडा अपने हिसाब से सर्व करें। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।